वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज मैं आई हूँ एक महाराष्ट्रन रेस्टोरेंट में जो कि बहुत ही फेमस है वडाला में। द रेस्टोरेंट नेम इज़ माउली रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना स्पेशल इसलिए है, यहाँ पे सिर्फ मालवानी ही नहीं कोल्हापुरी खाना भी मिलता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कोल्हापुर, तो ऑफ द फर्स्ट थिंग कम्स इन आवर माइंड इज़ द स्पाइसीनेस ऑफ दिस प्लेस। कोल्हापुरी खाना ज़बरदस्त तीखा होता है। तो मैं सी फूड भी ट्राई करूँगी और मैं चिकन भी ट्राई करूँगी एंड आई एम गोइंग टू ट्राई सम मटन ऑल्सो। कोल्हापुर की जो ग्रेवी होती है वो ब्लैक कलर में रहती है, बिकॉज वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। सो इफ़ यू आर अ फूड स्ट्रीट फूड लवर देन डू फॉलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़ैनब कुक हाउस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बोल रही हूँ एंड माई माउथ इज सीरियसली वॉटरिंग, आई कैंट वेट फॉर माई थाली। ओके लेट्स कम बैक टू कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में जो स्पाइसेस है मिर्ची, ड्राई कोकोनट, देन गार्लिक और ये सब चीज़ को रोस्ट करके एक मसाला बनाया जाता है, उसे बोलते हैं कोल्हापुरी मसाला। और कोल्हापुरी मटन ज़्यादा करके ब्लैक कलर में होते हैं, एक तांबड़ा और एक वाइट रस्सा। तांबड़ा मीन्स रेड एंड वाइट इज़ वाइट वाला, ठीक है। तो और एक ब्लैक मटन होता है जो आजकल बहुत मुंबई में चल भी रहा है, जिसे काला मटन बोलते हैं, बट दैट्स आई डोंट नो क्या उसका एग्जैक्ट नाम है, बट वो भी टेस्टी होता है, यू मस्ट ट्राई दैट ऑल्सो। कोल्हापुरी जो होता है वो तीखा ही होता है। ओके सो आई हैव नेवर हैड एन ऑथेंटिक कोल्हापुरी इन एनी रेस्टोरेंट। दिस इज़ द फर्स्ट रेस्टोरेंट इन मुंबई वेयर आई एम गोइंग टू ट्राई। मैंने घर में बहुत ट्राई किया है मेरे फ्रेंड्स के घर पे, बट ऐसे रेस्टोरेंट में ट्राई नहीं किया है। सो दिस इज़ अ वेरी न्यू रेस्टोरेंट इन मुंबई विच इज़ ओपन वेरी रिसेंटली। सो देखते हैं कि सिर्फ नाम है या फिर थोड़ा काम में भी लोग माहिर हैं, लेट्स सी। सो ये है होटल माउली। सो लेट्स ऑर्डर समथिंग इंटरेस्टिंग। सो वेराइटीज़ तो बहुत हैं नॉनवेज स्टार्टर, वेज स्टार्टर, मेन कोर्स वगैरह में, बट स्पेशली मैं यहाँ पे कोल्हापुरी खाने आई हूँ। सो मैंने अपना माइंड पहले से ही बना के रखा था कि मैं आज कुछ स्पाइसी ट्राई करूँगी। चिकन गावरन थाली मंगाते हैं, एक मटन मसाला थाली मंगाते हैं और बोम्बिल फ्राई मंगाते हैं। सो मटन थाली में बेसिकली सूखा है, वाइड एंड रेड रस्सा है, कीमा वाटी है, सोल कड़ी है। ओके इंटरेस्टिंग, वाइट एंड रेड रस्सा इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ कोल्हापुर। सो यू कैन सी इट्स रिटन। आपने अगर मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है चैतन्य मालवानी, मैं उसका लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, क्लिक दैट लिंक एंड सी दैट वीडियो, दैट इज़ सो नाइस। ओके गाइस, सो ये आ गई है हमारी थाली, मटन थाली ये है और चिकन थाली ये है और ये है हमारा बोम्बिल फ्राई। ओके तो हाँ, मैंने गाउठी वाला जो चिकन था ना वो मंगाया है और ये है गर्मा गर्म रोटी, एक चावल की है और एक जवारी की है। सो कोल्हापुर में कोई भी गेहूं का आटा ज़्यादा नहीं खाता है, दे प्रिफर टू हैव दिस पर्ल मिलेट फ्लावर और सॉर्गम। सो पहले ये देखते हैं, दिस इज कोल्हापुरी। आँख में अगर पानी आपके आ गया तो यही है कोल्हापुरी, ज़बरदस्त। बोलने भी नहीं हो रहा है मुझे यार, इतना ये है स्पाइसी। मटन भी इतने अच्छी तरह से गला हुआ है, ये तो चिकन है वैसे, और ये एक्स्ट्रा ग्रेवी दिया हुआ है लोग ने। ये वाला जो है पांड्रा रस्सा है, पांड्रा मीन्स वाइट, बट आई डोंट नो, मैंने कभी खाया भी नहीं है। वेरी नाइस। ये बड़े तो आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। सो बेसिकली ये मालवनी बड़े हैं, ये कोल्हापुरी बड़े नहीं हैं। दिस इज़ फेमस फ्रॉम मालवन और ये 5 या 6 टाइप के पल्सेस से बनाया जाता है एंड इसको बनाने के लिए बहुत एक्सपर्ट की ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसे नहीं बनेगा। दिस रेस्टोरेंट इज़ एडेड टू माई बकेट लिस्ट बिकॉज मुंबई में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो क्लेम करते हैं ऑथेंटिक बट मिलते नहीं हैं। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस थाली टू सी कि चिकन और मटन का जो ग्रेवी है वो एक ही ना हो, बिकॉज बहुत सारी जगह पर आपको सिर्फ तड़का देके उसमें मीट डाल के आपको सर्व किया जाता है, बट बेसिकली दोनों का ग्रेवी इज़ डिफरेंट।
द टेस्ट इज़ डिफरेंट, ज़बरदस्त है गाइस। इनके साथ इस थाली के साथ इन्होंने गर्मा गर्म अभी जस्ट स्टीम राइस भी सर्व किया है, तो स्टीम राइस के साथ खाना तो एक अलग ही अपना एक मज़ा है, क्योंकि उसमें जो ग्रेवी का मज़ा आता है ना वो ज़बरदस्त आता है। और थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ मैं, जिसे नींबू पसंद नहीं हो मत डालें, बट ज़रूर से डालें और थोड़ा सा ट्राई करें। एकदम मराठी में बोलूँ तो दिस इज़ झणझणी। फिश को अकेला नहीं छोड़ते, इसे भी खा लेते हैं थोड़ा, वो भी अकेला देख रहा है मुझे। वैसे तो ऐसे ही खाने का मजा है, उसके साथ चटनी दिया हुआ है वैसे, बट मुझे लगता है कि फिश को चटनी के साथ नहीं खाने का, उसको ऐसे ही खाने का। मस्ट 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 विजिट दिस मावली रेस्टोरेंट। मुझे इसमें एक भी खामी अभी तक दिखी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि कोल्हापुरी में ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता, बिकॉज मैंने खाया है एक्चुअल ट्रेडिशनली कोल्हापुरी फूड घर वाला। सो गाइस आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस फूड। वीडियो तो पसंद आया है आपको, नो डाउट। हो नहीं सकता है कि अगर ऐसा फूड आपको दिखे और आपको वीडियो पसंद ना आए, बट लाइक करके बताएं कि आपको आया है पसंद। कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी, आई लव रीडिंग कमेंट्स, नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, take care.